अरे भैया भाई राम राम। मैं रवि शर्मा, किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ भाई। आज भिवानी में हाँ, और भिवानी में पता करांगे जिस तरह के मिशन इंस्टीट्यूट में आए हैं। और मिशन इंस्टीट्यूट में जैसे बच्चों का पेपर आज किस चीज़ का है, तो पेपर वैसे पूछ लिया और बच्चे निकलने लग रहे हैं, इनसे बात कर लें। आ जाओ, तो मिशन इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं इनसे बात कर लें किस चीज़ का पेपर था भाई। आप मिशन इंस्टीट्यूट से? हाँ। पेपर देखे हो? हाँ। किस चीज़ का पेपर था? पेपर था सीटी का। सीटी का? हाँ। तो मतलब कितना पेपर होया? पेपर था एक नंबर का। अच्छा, तो कितना कितना टाइम लगे पेपर देने में? पेपर देने में लगा डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा पूरा? तो पूरा करे? हाँ। मतलब इसी में पढ़ा? हाँ, इसी में। इसी में? तो मतलब कितना कितने नंबर का करे? नंबर तो वैसे बताया जाए तो पूरा करके आया हूँ, पर हिसाब से तो थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए नंबर। बेटे आज जैसे किस चीज़ का एग्जाम है? सीटी का। तो मतलब एग्जाम दिया आपने, इसमें मतलब क्या क्या आया आपने? कितना कितना टाइम लगे और क्या क्या मतलब कितना टाइम लगे एग्जाम में? सर कंप्लीट टाइम था, डेढ़ घंटे का टाइम था। डेढ़ घंटे पूरा हो गया? मतलब क्या क्या कुछ मतलब क्वेश्चन आपको पता है? क्वेश्चन तो जैसे ये बेटी है पेपर दे के आई सी ई टी का, तो मतलब जैसे इन्होंने बताया डेढ़ घंटे में, मतलब कितना पूरा करके आई हैं? सारे मतलब इस मैकेडमी में पढ़ा करोगे? हाँ। तो आज पेपर किस चीज़ का था? वैसे सीटी का पेपर था। अच्छा, सारे किस गम्मत हो क्योंकि? हाँ, काम था। हाँ, कौन से काम था? मामला था। मामला था। हाँ, अपना फुलपुरा। मेरा ही फुलपुरा। फुलपुरा सारे ग्रुप हुए इकट्ठे आओ कहीं चले जाओ। तो पेपर किस हो गया? पेपर बढ़िया होया। बढ़िया होया। एक नंबर का? एक नंबर का। एक नंबर का? एक नंबर का। अस्सी पचे ठीक है, मेरे दोस्त ही पीछे से ठीक है भाई। अस्सी पचासी एक नंबर की। टीचर किसे अच्छे? सही टीचर है। सही तैयारी कराऊं? हाँ। चलो ठीक है। हाँ जी, ये तो मतलब जैसे आप यहीं पढ़ते हो? हाँ सर, मेरे को एक महीना हो गया सर यहाँ पे कोचिंग लेते हैं। एक महीना? तो आप सी ए टी का पेपर दिया आपने? यस सर। तो कैसा हुआ? उसका लेवल बहुत अच्छा था सर, देखकर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हाई होता है पेपर देने के बाद। ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आगे हम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कई बार क्यों आजकल बच्चे ये हो गया कि भाई सी ए टी बनाने के पार्ट हो गया भैया, तो पट्टे ही कौन पेपर है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम तैयारी करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे टॉपिक क्लियर होते रहेंगे। पूरी आगे मतलब पढ़ाई में टीचर कैसे हैं? टीचर बहुत अच्छे हैं सर, बच्चों का बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। अच्छा, तो मतलब कितने घंटे का? डेढ़ घंटे का। सारा करते हैं? सारा करते हैं सर। कितना मतलब कितना नंबर आ जाएंगे? देखो सर, ये तो हो सकता है 50 तक आ जाएंगे। यस सर। लेकिन एक मतलब विश्वास हो गया एक महीना? यस सर, कॉन्फिडेंस हाई होता है सर। कॉन्फिडेंस हाई? यस सर। एक महीना हो गया तो मान लो आपके तो भी? यस सर। चलो बहुत हो सर। आज पेपर किस हो गया? बढ़िया आया। बढ़िया, घना बढ़िया। मैं 80+ आ जाए अपने। हाँ, अपने भी 80+ आ जाए। हाँ, इससे बढ़ा बढ़िया पेपर हो रहा भाई। हाँ, इजी था पेपर? हाँ, पेपर सही था भाई, दो मॉडरेट। कोई नुक्कड़ दे पहले तो बनानी सीटी अपर चाहिए कौन ही बहुत। ना ना, मेहनत भरा पड़ जा। जिन नहीं पढ़ रखा उसका तो मुश्किल लगेगा। अच्छा। हाँ, तो तारीख कितने दिन की तैयारी है? मैं 3 महीने ही, 3-4 महीने हो। हाँ, कितना नंबर कर रहे हैं? 80 के करीब कर दिया मैंने। 80 के करीब? हाँ। असल है असल गुआना दार हूँ, सुबह सर गुआना था। गुआना से? हाँ, रुखी गुआना। कितने नंबर का कर रहे हैं? क्या सर? कितने नंबर का पेपर कर रहे हैं? ये 100 नंबर का होता है सर। यही पढ़ते हैं? हाँ सर। कितने नंबर का हो गया? अप्रोक्सीमेटली देखे तो बहुत अच्छा है, एनटीए बेस्ड पेपर था। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि बच्चों को सीईटी के बारे में नॉलेज हो, कैसा पेपर आता है, मतलब बहुत अच्छा। कितने दिन हो गया आप पेपर दे? या मेरे को 6 महीने हो गए। तो आपका मतलब सबका ही पेपर कितना टाइम लगा? कितने टाइम का सर? मतलब 1.5 घंटे का था सर। तो मतलब कैसे हो गया पेपर सर? बहुत ही अच्छा था। तो फैकल्टी कैसी है?
काफ़ी अच्छी है फैकल्टी भी, मतलब स्टाफ भी कोऑपरेटिव है, जो मतलब समझ नहीं आता अच्छे से समझाते भी हैं, बहुत अच्छी है। मैथ्स भी बहुत अच्छा है, इंग्लिश वाली मैम भी अच्छा कराती हैं। कितने दिन हो गए आपको? 2 महीने हुए सर अभी। सही हो गया पेपर है। कैसे थे? जैसे कहीं कह देते हैं कि भाई पता नहीं सीट या पेपर क्लियर होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, तो कैसा है? नहीं, क्वेश्चन जो हमने रीड किए जो करवाए हैं वही क्वेश्चन थे, और सीट का पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था, कर सकते हैं। जैसे हम कोचिंग देंगे उसके अनुसार हम सीट का कर सकते हैं। यस सर। आज सीट का पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। फैकल्टी कैसी है? क्या फैकल्टी कैसी है? टीचर कैसे हैं? अच्छे हैं। कितना टाइम लगेगा एग्जाम? 1.5 घंटे का टाइम? 1.5 घंटे का टाइम। आपने कितने टाइम में क्लियर किया? मैंने 3री बार दिया। अच्छा हो गया। अच्छा ने भी एग्जाम दिया था। एग्जाम दिया था सर। तो मतलब कैसा रहा इतना? वो बढ़िया रहा एग्जाम है, और बहुत बढ़िया एग्जाम देते हैं सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जैसे हमने आज अचानक यहाँ आके थोड़ा सा मतलब जैसे हमारे को पता था कि सी ए टी का एग्ज़ाम है, तो बच्चों से भी पता किया, और जैसे हमने सोचा कि यहाँ अकेडमी को भी मतलब जांच करके और पूछें कि मतलब जैसे आज सी ए टी का बच्चों से भी कैसा पेपर हुआ। मतलब जैसे इन्होंने बताया कि ईजिली पेपर था और अच्छा था और अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। किसी ने 85 का किया, किसी ने 80 का, किसी ने 50 का किया, किसी ने 60 का किया, अलग अलग ढंग से उन्होंने बताया। तो क्या कहेंगे बच्चों, मतलब कितना मोटिवेट होंगे इस एग्ज़ाम से? जी मोटिवेट बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने जो पैटर्न सेट किया है वो सी ए टी के बेस पे और एन टी ए जो लेवल होगा उसके हिसाब से पैटर्न सेट किया गया है, जिसमें सारे क्वेश्चनों का जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर किसी का अलग से सोच विचार के किया गया है कि जीके का इतना पोर्शन होना चाहिए, कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन होने चाहिए, इंग्लिश इतने नंबर की हो सकती है, हिंदी इतने की हो सकती है, तो पूरा का पूरा एक पैटर्न रख करके वो डिसाइड किया गया है। तो जैसे जैसे बच्चे दे रहे हैं हर टाइम पे स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ बढ़ी हुई आपको ही मिलेगी। जैसे आप अगली बार अगर आपको मौका लगता है आप आओगे तो आपको स्ट्रेंथ बढ़ी हुई मिलेगी। शुरुआत में जितने बच्चे थे उससे ज़्यादा ज़्यादा, जैसे जैसे मार्केट में ये जानकारी जा रही है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है पूरा एन टी ए बेस्ड पैटर्न के ऊपर, तो उसके बेस पे जो बच्चे हैं उनको अवेयरनेस हो रही है कि हमें पेपर कैसे करना है। पूरी सीटिंग के साथ में पेपर दिया जाता है, बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में, तो हर हिदायत बढ़ती जाती है, सावधानी बढ़ती जाती है कि पूरा का पूरा एक उनको एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर दिया जाए। तो सर जैसे क्या कहें, मतलब जैसे बच्चों कहे कि पहले हवा भी उठा था कि जैसे गवर्नमेंट ने पता नहीं सी ए टी कैसा हो गया, इतना मुश्किल हो गया, ये पहले एक एग्ज़ाम कोई करियर नहीं होता था, ये और करना पड़ गया, इसमें क्या कहें? तो जी बात ये है कि हवा तो सिर्फ उनके लिए होगा जो तैयारी एक टाइम पर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं एक टाइम पे तैयारी नहीं कर रहा हूँ तो मेरे लिए हर क्वेश्चन मुश्किल है। अगर बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है और अगर वो प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पा रहा है तो वो उसको अव्वा नहीं बनेगा। हाँ, सरकार की कई बार नीतियों की वजह से कोई पेपर डिले भी हुए, कुछ पेपर कैंसिल भी हुए, लेकिन सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ सी ए टी करवाने में लगी हुई है और सी ए टी करवाए भी, ऐसा हम सरकार से आशा रखते हैं। रविंदर सर हमारे साथ हैं, और रविंदर सर ने जो ये एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन तैयार किए थे और बच्चे जो बता रहे थे कि आज बहुत हार्ड है, कोई इजी बता रहा था, कोई मतलब जैसे कह रहा था कि इतने नंबर आ गए उतने नंबर आ गए, और सर ने ये मतलब पेपर जो तैयार किया था, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार।
सर बताएं, जैसे आज आपने जो सीईटी का जैसे एग्ज़ाम का जो तैयार किया था और जो बच्चों ने दिया, और उसमें मतलब जैसे बच्चे कह रहे थे कि बहुत हार्ड भी थे सवाल, जो कि हमारा छूट भी गया, और कई कह रहे थे कि जैसे इजीली था, अच्छा आया और मोटिवेट हुए, मनोबल बढ़े उनका, क्या कहेंगे? देखो सर, इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, जो भी हमने एक मिशन इंस्टीट्यूट ने एक अच्छी पहल की है, हम प्रत्येक शनिवार को पेपर लेने लग रहे हैं, और जो भी हमारा पेपर होता है वो सीईटी बेस होता है, एनटीए बेस हम एग्ज़ाम लेते हैं, उसके अंदर हम प्रत्येक चीज़ क्वेश्चन के हिसाब से डालते हैं। जैसे हमने पैटर्न सेट कर रखा है, जैसे ने एक सिलेबस दे रखा है, जैसे रीजनिंग भी आएगी आपकी, मैथ भी आएगी, हरियाणा जीके आती है, साइंस भी आती है, ट्रेडिशनल जीके आती है, उसके बाद में अपना साइंस पोर्शन आ जाता है, उसके बाद जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हमने प्रत्येक चीज़ से क्वेश्चन उठाए हैं। सबसे खास चीज़ इसमें बात क्या थी पेपर के अंदर, ये पेपर बाइनरी लैंग्वेज में था, हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में पेपर था, हमने दिया है। सिलेबस से बाहर हमने कोई चीज़ नहीं दी है, हालांकि मैथ पे अभी काफ़ी अच्छा लेवल दिया था। देखो इसके माध्यम से हम बच्चों तक यही चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि जितना भी आप देखो कि अपना वहाँ पे आके आप पहुँचो, आप अपना लेवल जज करो, मतलब क्या पता एनटीए भी ऐसा एग्ज़ाम कनेक्ट कर ले तो फिर बच्चों को दिक्कत आएगी, ठीक है? क्योंकि बच्चों को अपना आईक्यू लेवल चेक करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमने एक अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा सबके लिए, सबसे मेन बात ये भी है। देखा जाए तो पिछली बार काफ़ी हमारे पास बच्चे आए थे, उससे बार और अच्छे बच्चे और भी आए, अब की बार और भी आए, उम्मीद करते हैं आगे भी और आएंगे। मैं इसके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से, किसान क्रांति चैनल के माध्यम से बच्चे को यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी आप कहीं भी बैठे हैं, आप कहीं से भी तैयारी करें, पर आप इतनी तैयारी करें कि आराम से HSC को आप आराम से क्रैक कर सकें, आपको सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है? और रही बात पेपर की पैटर्न की, पेपर पैटर्न की बात की जाए तो पेपर का पैटर्न कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं थी, ये हमारा मानना है। अगर फिर भी बच्चों को लगता कि पेपर का लेवल हार्ड था, तो अगर यही लेवल NTA का आपको HSC वाले दे देंगे तो उस टाइम आप क्या करोगे? ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस का एक माध्यम है, ये हमने जो शुरुआत की है। रही बात पेपर पैटर्न की, पेपर में कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं थी, ये हमारा मानना है जी। फिर भी बच्चों को लगता है पेपर का लेवल हार्ड था, तो देखो लाइफ है, इंसान का जो लाइफ होते उतार चढ़ाव तो उसमें भी चलते रहते हैं, ठीक है? आज आपने आप जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, से एक स्टेज पार की, दूसरी की, तीसरी की, पहला पेपर का लेवल अच्छा था, दूसरे का थोड़ा सा और ऊपर लेवल था, तीसरे का और था, चौथा होगा वो भी अच्छा लेवल का पेपर देंगे। तो पेपर में मेरा मानना है कि हमारे हिसाब से पेपर सही था, फिर भी बच्चों को लगता है पेपर का लेवल हार्ड था, तो बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप थोड़ा सा अपने लेवल को और बढ़ाएं, अपनी तैयारी थोड़ी अच्छे लेवल पर और भी करें, जिससे आप अपना माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, जिस टीचर के पास पढ़ते उसका नाम रोशन कर सकें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा सर। ये मतलब जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी फिर नेक्स्ट कब होगा? देखो जी, हर शनिवार को पेपर लिया जाता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, हम किसी बच्चे से कोई भी पैसा नहीं लेते। जबकि हालांकि हम आदर सम्मान के योग्य जो भी बच्चे होते हैं, 1 से 10 नंबर तक जो भी बच्चे आते हैं, हम सबको एक आकर्षक इनाम भी देते हैं, मतलब सम्मानित भी किया जाता है बच्चों की, काफ़ी बच्चों की फीस में भी डिस्काउंट हम करते हैं। और रही बात हमारी इंस्टीट्यूट की, पिंकी मैडम है, ये बिंटू सर है, मतलब हमारे मैनेजमेंट में, तो ये तो काफ़ी गरीब बच्चों के हित के बारे में भी सोचते हैं, मतलब काफ़ी बच्चों को फ्री सेवा के लिए पढ़ाई भी करवाने लग रहे हैं, फिर फीस में डिस्काउंट भी करने लग रहे हैं, काफ़ी सहयोगी भी, मतलब ठीक है। लेकिन मैं किसी एक स्पेशल इंसान की यहाँ पर तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई बताने लग रहा हूँ। कभी काफ़ी लोग बच्चे सोचने लग रहे भाई ये तो मिशन की तारीफ़ करने लग रहा, आप कहीं भी पढ़ो लेकिन आप इतना पढ़ो जिससे आप अपनी लाइफ में आप कामयाब हो जाओ। क्योंकि इंसान कभी आप किसी भी लोगों को अपने सपने मत दिखाओ, उसको पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सपना देखना पसंद नहीं है, आपकी जो मेहनत और जो लगन के काम करने के बाद आपकी सक्सेस देखना पसंद है। मैं जब यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं किसान क्रांति न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को मेरी तरफ से, मिशन इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत राम राम, नमस्कार, जय हिंद। सर जैसे आज ये एग्ज़ाम जैसे जो चल रहा था, तो बच्चों ने बताया जैसे कि किसी का 50% का हुआ, किसी का 60%, किसी का 80%, 85%, किसी ने बताया कि जैसे बहुत हार्ड भी थे इसमें क्वेश्चन, तो लोग क्या कहेंगे? मतलब जैसे आज बच्चों का किसी का मनोबल अच्छा था, हाई था, और किसी का लो था। हाँ बिल्कुल ऐसा। देखो हमारा पर्पज़ ये है कि जैसे जब बच्चा पेपर में बैठेगा किसी लेवल का भी एग्ज़ाम आ जाए, अगर हमारे वाले पेपर में अगर बच्चे ने अच्छा स्कोर किया ना, 70-80 तक गया है, इसका मतलब अगर हार्ड पेपर वहाँ आएगा ना तो सीधा सिलेक्शन ही लेगा।
हमारा फोकस यही रहता है। दूसरा, आप हमारा पेपर देखना है, इसमें हमने जो 95 क्वेश्चन डाले हैं, ये 95 क्वेश्चन हमने जिस तरीके से जो एचएसएससी में एनटीए ने जो पेपर का पैटर्न दिया है कि 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 2 क्वेश्चन पॉलिटी के और 2 क्वेश्चन बायो के, हर 10 क्वेश्चन मैथ के, हर टॉपिक से हमने उसी हिसाब से क्वेश्चन डाले हैं जो कि पेपर में पूछे जाने हैं। और लेवल भी वही दिया हमने कि लेवल इस लेवल तक पेपर दिया है कि अगर मान लो बच्चा इसको कर लेगा ना, तो अगर आसान पेपर आता उसको तो आराम से क्रैक कर देगा, है ना। और कम से कम बच्चा अगर 1 साल मेहनत कर लेगा ना, क्योंकि 6 महीने में तो बच्चा ये पढ़ पाता है सिलेबस में क्या क्या हमारे, उसके बाद असली तैयारी शुरू होती है। उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, उसकी टाइमिंग लेके आएंगे। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देते हैं ना, उसमें वो कहते हैं सर हमें आता था पेपर सारा, लेकिन हमारा पेपर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो 6 महीने के बाद वो सारी चीज़ें जब आपने सिलेबस कर लिया, उसके बाद ये चीज़ें आएंगी कि मान लो पेपर आता है कि मैथ में कितना टाइम आपने देना, रीजनिंग में कितना टाइम आपने देना है, इंग्लिश में आपने कितना टाइम देना है, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आपने पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन आपने बाद में करना, ये सारी चीज़ें हम अपने यहाँ पे कोचिंग लेने वाले सारे बच्चों को सिखाते हैं। कुछ नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनके घर पर कोई कमाने वाला नहीं है, तो उस बच्चे से तो हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, ठीक है। उस बच्चे को बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं और उसके नोट्स फ्री देते हैं। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जैसे एकेडमी में आते हैं, बोलेंगे कि सर है ना हम गरीब हैं, हमारी फ़ीस कम कर दे, हम उनकी फ़ीस भी कम कर देते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं घर वालों से पूरी फ़ीस ले लेते हैं और यहाँ पर फ़ीस कम देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि हाँ, जो टीचर होता है और जो बच्चा होता है उसके बीच का विश्वास कम होता है। तो सबसे पहले तो गुजारिश करूँगा ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप रियल में आपके माँ बाप जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो फीस भर सकते हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ लेके आए और उनके बच्चे को हम फ्री पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस बच्चा पढ़ने वाला उस